गुरु नानक लास्ट गुरु है गुरु गोबिंद सिंह, आई एम राइट। सीना सीना चीर करके तो अपने नहीं देखा सकते। पंजाब अगर बंगाल अगर आसपास रहता होता तो इंडिया को खा जाता। सुनने में बुरा लगता है लेकिन सच्ची बात बोल रहा है। देखिए हम बोल रहे हैं तो हमारा लोम खड़ा हो रहा है। ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਕੁਛ ਸੱਜਣਾਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੇਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਚਾਹ ਪੀਵਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇ ਪਾਸ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। अच्छा आप जानते हैं गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे? क्या सुना आपने? बहुत अच्छे, उनका नाम भी बहुत ही है। इसे चिल्ड्रन जो पार्क बना हुआ है वो भी बढ़िया है। जो पार्क बना है वो किसकी याद में बना है? तो भाई हिम्मत सिंह के। वो कौन थे पता आपको? ये तो बहुत बड़े आदमी थे ना, उसके उनका तो नाम बहुत है। नहीं नहीं उनके बारे में और कुछ पता है कि वो पंजाब गए थे? हाँ, पंजाब गए थे और शहीद हुए थे, सब सब पता है। मालूम है आपको? हाँ। कहाँ से सुना आपने? स्कूल में पढ़ाई? नहीं स्कूल में नहीं, यहाँ पे गुरुद्वारे जब हुए थे तो उससे पहले सुने थे ऐसे। अच्छा आप भी जाते हैं कभी गुरुद्वारे? हाँ गुरुद्वारे जाए हैं, गए हैं। हम आप लोगों का जो मेला होता है ना साल में एक बार वो जाते हैं हम। अच्छा वाह जी वाह। सो भाई इन्होंने सुनया वा कुछ होर खड़े हैं सज्जन, इन्होंने भी पूछ ले हैं। ये भाई साहब आप यहीं से हैं? नहीं हम तो कलकत्ता बंगाली आए। अच्छा बंगाली है? हाँ जी। आपने गुरु नानक देव जी के बारे में सुना है कुछ? पाप जय गुरु। क्या बात है, आपने कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता में? कलकत्ता में डनलप। डनलप वहाँ भी गुरुद्वारा साहब है ना कहीं? बिल्कुल। आप भी गए कभी? बिल्कुल। अच्छा 100 बार गया? अच्छा। एक बार नहीं 100 बार गया। वाह जी वाह। जानते हैं वाहेगुरु जी? दस गुरु का एक गुरु है गुरु नानक, लास्ट गुरु है गुरु गोबिंद सिंह, आई एम राइट। वाह जी वाह, आपको सब कुछ पता है? हाँ जी। आपके नहीं ऑटो वाला आ रहा है? जी आपके साथ है, आपके परिवार है? हाँ जी हाँ जी। इनको भी पता है? इनको भी पता है, आंटी को पता है। आपको आपने गुरु नानक देव जी का नाम सुना है? हाँ, कलकत्ता से हर साल आते हैं वो गुरुद्वारा साहब जो बहुत गुरुद्वारा पसंद है आरती साहब में। हाँ आते हैं हर साल? हाँ हर साल आते हैं, बहुत बढ़िया पसंद है। आप भी आते हैं? एक साथ हो गया एक साल? नहीं नहीं एक साथ ही बोलते, एक साथ में आया था। अच्छा ये बोलता था एक साथ में हम लोग आया था कलकत्ता से? ये भी कलकत्ता से? कोलकाता से। आप भी कोलकाता से? आपने गुरु नानक देव जी का नाम सुना है? गुरु नानक जी का नाम नहीं सुना? आपने सुना है? अच्छा ठीक है। हम लोग अमृतसर में, अमृतसर जो है ना गोल्डन टेम्पल उसमें गया था, बहुत बढ़िया हलवा है उधर का। नाचा है सुनो डालनाप का खालसा स्कूल नाम सुना है? सुना है क्या आप? मैं नहीं गया। हाँ जब कभी बड़ा बाजार, हम गए थे बड़ा बाजार। बड़ा बाजार नहीं, डनलप का सामने खालसा स्कूल है, सबसे पुराना स्कूल है, सबसे पुराना। हमारा हमारा 56 साल उम्र हो है लेकिन बचपन से हम देख रहे हैं खालसा स्कूल और डनलप गुरुद्वारा मंदिर, समझ गए ना? बिल्कुल बढ़िया। तो छीना सीना छीन करके तो अपने नहीं देखा सकते, समझ गया ना? बॉय है या बंगाली? बंगाली एक आ रहा, दूसरा कोई बंगाली नहीं है। कलकत्ता कलकत्ता वाला बंगाली बिल्कुल सही है, सच्ची एकदम, समझ गया ना? अगर पंजाब अगर बंगाल अगर आसपास रहता होता तो इंडिया को खा जाता। इंडिया अगर बंगाल बिहार ना रहे तो पंजाब अगर रहे, बिहार का जाएगा पंजाब अगर रहेगा तो इंडिया को खा जाता। तो हमारा देखिए हम बोल रहे हैं तो हमारा लोम खड़ा हो रहा है, लोम खड़ा हो रहा है, समझ गया ना? तो हम देखा, हम वो चीज़ देखा जो चीज़ आप देखा कि नहीं देखा, सच्ची बात बोल रहा है। जिस दिन 1984 में इंदिरा गांधी को कत्ल हुआ
उस दिन हम दिल्ली में फरीदाबाद था, ऐसे एक बंगाली का पंजाबी का कोठरी में रहता है, सामने वाला सब बंगाली रहता है, पीछे वाला सरदार जी रहता है, सरदार हमको सैल्यूट मारता है, समझ गया ना। उस टाइम उस भगत हम देखा है वो चीज़, समझ गया ना। 1984 हमें बिल्कुल 77 से 87 तक हम दिल्ली फरीदाबाद रहा, समझ गया ना। क्या किया है सरदार का ऊपर हमको मालूम है भैया, हम देखा वो चीज़ में। बंगाली को सरदार जी लोग कदर करता है उस वजह से, कलकत्ता लोग। अल्प नाम करता रे सुख।